रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ वाले वो जल्दी मरते नहीं मलिक अकेले हाँ बेल हो गई है आ रहा हूँ मैं कितने पैसे मांगे 25 करोड़ 4 घंटे अपुन के पास ये लोग हैं कौन सर जो भी है पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना सर 4 घंटे में 25 करोड़ मुश्किल है एक काम करो तान्या को फोन लगा नहीं उठा रहे ला उसके मैनेजर से बात करता हूँ तान्या साहब है क्या मैं मलिक बोल रहा हूँ वो तो है नहीं पिछले 2-3 दिनों से मेरी बात नहीं हुई है हॉस्पिटल में तान्या आया था क्या मिलने मैंने तो नहीं देखा नहीं कस्टमर केयर वाले उनका बिल नहीं भरा ना तो बार बार फोन करते हैं मैं फोन लेके आता हूँ जरा हेलो हाँ ना हाँ जयंती बोलो हाँ ना मैं मलिक बोल रहा हूँ मलिक तुम ठीक हो गए मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो हाँ ना आई नीड योर हेल्प हाँ बोलो मुझे कुछ पैसे चाहिए कितने 25 करोड़ 25 करोड़ तुम मजाक कर रहे हो ना किसी ने केसर को किडनैप कर लिया उसे छुड़ाने के लिए मुझे वो पैसे चाहिए वाओ मलिक तुम पागल तो नहीं हो गए तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बीवी को छुड़ाने के लिए मैं पैसे दूंगी और अगर मैं मान भी गई तो 25 करोड़ कहाँ से लाऊंगी मैं तुम चाहो तो तुम कर सकती हो आना मलिक मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ और तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार तुम्हें तो कोई भी हेल्प कर देगा मैं क्यों क्योंकि तुम दालमियास की बहू हो Can you shut the door, please? Hey, darling. I'm so sorry, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मलिक के बारे में. Wait, 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 wait. घर पे कोई नहीं? नहीं, मॉम जॉब पे गई है और सारा स्टाफ मार्केट में. Don't shut the door, then. क्या वो? Actually, मलिक की बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे 25 करोड़ की जरूरत है वो होश में कब आया आज सुबह 25 crores I know you think कि मैं एक materialistic bitch हूँ और मैंने तरुण से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है पर इस बार मैं अपने लिए नहीं मलिक के लिए आई हूँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए उसने हमारी बहुत मदद की है इवन तरुण की डेथ के टाइम ही रियली हेल्प गिव 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 द मनी दे दो पैसे थैंक यू पापा थैंक यू सो मच जाओ मलिक एक और कदम आगे बढ़ाया तो ठीक है मैं रुक गया हूं तुम प्लीज केसर को कुछ मत करना मलिक तुम ठीक हो केसर मैं ठीक हूं तुम कैसी हो डार्लिंग ए ये प्रेम कहानी बाद में पैसा कहां है मेरा रास्ते में है वो आ रहा है ठीक है जैसे गर्लफ्रेंड तो सबको मिलनी चाहिए अपने सौतन को बचाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर लिया ये रिश्ते अवार्ड में तेरे को तो बस सपोर्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए
जयंती। हेलो जयेश, सुन, दो जोड़े कपड़े तेरे और मेरे, जल्दी से पैक करके 20 मिनट में नीचे आ जा। फिर कोई कांड किया क्या तूने? नहीं रे, तेरे को बोला था ना, बस एक लास्ट काम, वो हो गया, चल जल्दी आ। और सुन, तेरा और मेरा पासपोर्ट भी लेके आ। अरे जयंती, हेलो, पासपोर्ट? बड़ा कांड किया लगता है। फोन बज रहा है, उठा लो, उसी का फोन है। हाँ जयंती, क्या पूछे? एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस मैं धोखा देने वाली है आपको। मतलब? मतलब ये कि मैं पैसा लेके नहीं आ रही है। देख जयंती, ये सही टाइम नहीं है, तो बोलना तुझे क्या चाहिए? मेरे को तो बस पैसे चाहिए मलिक सर, और वो इस वक्त मेरे पास है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट भी भाग सकती थी, लेकिन वो क्या है ना, आपके साथ दोस्ती बन गया है ना, तो सोचा मैं डायरेक्ट आपको फोन करके बता दूँ। सुन सुन मेरी बात, बहुत गलत जा रही है जयंती, तो इसलिए तो जगह बदल रही हूँ साहब। आप चिंता मत करो, मैं आपके हाथ नहीं आएगी। अब ये फोन पे बात करना बंद करो और पैसे का इंतजाम करो। एक गुड न्यूज है, 25 नहीं, सिर्फ 5 करोड़ का इंतजाम करना है। और हाँ, एक दिल की बात बोलती है, केसर को मत छुड़वाओ, आप उसके बगैर ही ठीक है साहब। जयंती, क्या हुआ, आया कि नहीं पैसा? सीधे क्यों गई तू? हाँ हाँ, अब जल्दी से यू टर्न मार, उसके बाद मंदिर से जो राइट है 500 मीटर की दूरी पर, लेफ्ट पर जो जगह है वो। हाँ हाँ हाँ, भाई कर 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 कर, भाई साहब भी तो इंतजार करें, अब जल्दी कर। हाँ, अरे यार आ रहा है पैसा रास्ते में। जयंती ना, रास्ते की कच्ची है, वो मंदिर से राइट मारा था, मस्जिद से लेफ्ट मार लिया, गूगल मैप भी यूज नहीं करते। मैं बस सर उसे लेकर आता हूँ, क्या है आपका बहुत बड़ा है ना अमाउंट। ए हिलेगा नहीं तू अपनी जगह से? अरे मैं कौन सा भाग कर जा रहा हूँ, वैसे भी मेरी बीवी तो आप ही ने रखी है ना अपने पास गारंटी के तौर पर। हेलो, आना मलिक बोल रहा हूँ, नंबर है मेरे पास, बोलो। अब क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है मलिक, प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें और पैसे चाहिए। नहीं, 25 करोड़ नहीं, इस बार सिर्फ 5 करोड़ चाहिए। पर क्यों? लगता है आजकल किडनैपर्स भी फिरौती पे GST मांगने लगे हैं। अरे ऐसा ही समझ लो, जयंती पैसे लेकर भाग गई। क्या मलिक, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई औरत है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो? क्या बताऊं आना, पहली बार लाइफ में कोई प्लान नहीं। आई डोंट केयर मलिक, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मलिक का फोन था, और पैसे चाहिए उसे, दे दो। उसने जो कुछ किया हम लोगों के लिए जिंदगी में, just give the money. पैसे आ रहे हैं पैसे। वो आना ने सीट बेल्ट नहीं पहना था ना, तो चलान कट गया। पैसे तो जयंती ला रही थी ना, ये आना कहाँ से आ गई? उस चुड़ैल से मांगे तुमने पैसे? अरे केसर, पैसे कोई भी लाए, क्या फर्क पड़ता है, पैसे आ रहे हैं तो तुम बैठो ना वहाँ पर। अपनी सौतन की वजह से बचने से तो अच्छा है कि मैं मरी जाती। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। अरे यार केसर, तुम यहाँ भी शुरू मत हो जाए। अरे एकदम चुप, बंद करो ये नाटक तुम दोनों का, वरना दोनों को गोली उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज नो, 2 मिनट्स आ रहे। जयंती, अरे मेरा बोर्डिंग पास नहीं नजर आ रहा, इधर है। ओह थैंक्स। आईचा का हुआ था, लगता है मैं अपना बोर्डिंग पास उधर टॉयलेट में भूल के आ गई। जयंती, मैं जाके आती है। अच्छा सुन, बाकी के सारे बैग्स चेक इन में चले गए हैं, इस बैग पे ध्यान रख, इसमें करोड़ों रुपए हैं। रुक, तो इधर ही रुक। हाँ। मैं जाके आती हूँ। हाँ। जल्दी आना। जयंती, हेलो, हीरा बनने का बहुत शौक है ना तेरे को, बैंकॉक की टिकट करवा दी है मैंने, जा जा अपना ऑपरेशन भी करवा ले। जयंती, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। जयंती ना सिर्फ पैसों से प्यार करता है,
इसीलिए तू हिजड़ा बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने ना तेरे बैग में 101 रुपया छोड़ी है, तो बैंकॉक से आ जा। नजर उतारने के 501 और दे दूंगी मैं तेरे को। जयंती साहब, एक अच्छी खबर है और दो बुरी खबर है। पहले क्या सुनना पसंद करेंगे? साले पहलिया बुझाना बंद कर और जल्दी बता। पहली अच्छी खबर यह है कि मलिक को होश आ गया। और बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि मलिक हॉस्पिटल से भाग गया। दूसरी बुरी खबर? दूसरी बुरी खबर यह है सर कि ये इसमें से जितने भी लोग जेल में थे उन सबको बेल मिल गई। क्या? हाँ। तू रुक। हाँ हाँ मैडम। सर सबका बेल हो गया है लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको लोकेशन भेजती है, जल्दी पहुंचो, मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। फिर लोग बोलेंगे कि हमेशा की तरह कांड के बाद ही पुलिस आती है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब छोड़ दो केसर को। अरे तुझे क्या लगा मुझे तेरे पैसे में इंटरेस्ट है? केसर तो एक बहाना थी साले, मुझे तो तुझे मारना है। फिक्सर मलेगा साले, तेरा तो खुद का ही फिक्स हो गया है। बॉस सियासत और रियासत के बीच में जो भी आएगा ना मार दूंगा। मतलब तूने मुझ पर गोली चलाई? ओहो राम 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 भाई, मैंने किसी को नहीं मारा। तो मुझ पर गोली किसने चलाई थी? ऑल केयर ठीक ना? तो गेंद आखिर सुअर बन ही गया क्या है? कि जब इंसान अपनी औकात से ज्यादा उड़ने लगता है ना तो उसको जमीन पर आना जरूरी होता है, और अब क्या जमीन पे गाड़ने का वक्त आ गया है। रूट नहीं करेगा? अवत मादर गाली क्यों दे रहा है? पता है ना कि मैं मलिक का गुरु हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, जान ले ली थी उसकी। ओ गलती मत करना मलिक, नीचे बात करते ना। मुझे पता चल गया था कि तेरे रियासत और सियासत का सबसे बड़ा रोड़ा मैं था, इसलिए दिल्ली में तूने मुझे सस्पेंड करवा दिया। लेकिन मुंबई में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा बे? और अगर तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई? ए नहीं मालिक, मालिक मालिक तू किसने चलाई? मालिक मार 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 मार। अरे बॉल नहीं, गलती मत। तुम सब एक साथ अरे धूम वाली मैडम को ना कमीने, तेरी माँ। माता जी रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मलिक। कपूर साहब माता जी, अरे पेरी पुनः तेरी नफरत ने हम सब दुश्मनों को एक साथ कर दिया है। माता जी ने जेल से तेरे सबसे प्यारे भक्त को फोन किया, जो तुझे मारने के लिए हम सबसे ज्यादा उत्सुक है। अरे जिसे जो करना है करे हो यार, लेकिन मुझे मारने से पहले कोई ये बताएगा कि मुझ पर गोली किसने चलाई? माजिद जाके बैग चेक करो। किसने चलाई थी? बैग को अच्छी तरह चेक करना माजिद, मुझे इस शख्स पे कोई भरोसा अरे नहीं। कपूर साहब अरे पैसे ही है, क्या चेक करना है? देख रहा हूं तेरे पैसे। ये हैं पैसे, ये पैसे हैं। समझ, माता का लंगर तो लगा नहीं है, खैरात भी नहीं बट रही है, तो उतने के तू मुर्गी नहीं है जितने के मसाले जल जाते, तो इतना सगा तो है नहीं तू मेरा। देखा, मुझे पता था कि डायन मुझे पहले से मानना चाहती थी। ये तुमने क्या किया है ना?
क्या गलत किया मैंने? तुमने लोगों को फिक्स करके अपना फायदा देखा, मैंने इसकी किडनैपिंग में अपना फायदा देखा। आना, मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, और तुम ओके नहीं करना चाहिए था ना? पागल हो गए हो और तुम बार बार क्या झुक जाते हो? खड़े रहो। मलिक, क्या किया तूने? अरे गोली उसने नहीं चलाई थी। अरे शेरावत साहब, वो पैसे भी तो नहीं लेकर आई ना यार। आना 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 यार। दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? मलिक, ये मेरी अपनी जिंदगी का सच है। आज पैसे के रेस में तू अपना प्यार खो चुका है मलिक। मलिक, थैंक यू, मेरा आधा काम तो कर दिया तूने। ये 200 करोड़ के लिए छाती पे बैठी हुई थी, मतलब जब दुश्मन हो 1000 तो चाहिए 4 यार, अर्थी को कंधा देने के लिए। माता जी, मुझे अपने पीछे कहीं छुपा लीजिए आप। सर, मुझे पुलिस में भर्ती कर दो सर। मन, दिल्ली पुलिस का भाई, दिल्ली आना पड़ेगा। सर चलेगा, आ जाऊंगा। बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस क्या कर रहे हो आप? नहीं सर। अलेक, अलेक। गर्मी नहीं लग रही आपको? इतना हाईनेक पहन के रखा है आपने। ओए मलिक, के अबे इधर क्या ढूंढ रहा है? इसे केसर, ठोक दूँ इसको, भेजा बाहर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, गोली मत चलाना, क्योंकि इसमें गोलियां नहीं है। कौन गया ये है ना, इससे गोली चला, और वो सर पे मत मारना, बंदूक की नली है ना, मुंह में डालकर 70 डिग्री ऊपर की तरफ मारेगा ना, सीधा भेजा। और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो मलिक, तुम्हें कब से पता था? शुरुआत से। आगे सर। मलिक, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, कुछ दिनों में भिजवा दो। हेलो हेलो केसर। अरे हाँ केसर, तुमने कहा तो तुम मलिक का इंतजाम कर दोगे, कब मरेगा वो? केसर, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, अब जो भी करना है तुम्हें करना पड़ेगा। 48 घंटों में तुम मुझे नहीं मार पाई तो अपने किडनैपिंग का ड्रामा क्या था? तुम भूल गई कि तुम्हारा पति एक फिक्सर, और उसे अपनी लाइफ का फिक्स कराना बहुत अच्छी तरह आता है। What's up, डायन? इतनी जल्दी मरेगी थोड़ी। जैसे तुम्हें लग रहा था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, लेकिन मैं हमेशा से तुमसे 2 कदम आगे था। आ गई पुलिस। सर ये तो सोचो कि क्या कहोगे तुम पुलिस, क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर?
मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तुम्हारे भगवान के पास ही जा रहा है केशव, कम से कम अब तो सच बोल दो। हेलो करी। हेलो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं मलिक को मारने के लिए। हे माता रानी, प्लीज मलिक को अपने पास बुला ले। अगले 48 घंटों में अगर वो बच गया तो मुझे उसे मारना पड़ेगा फिर से। चलो लेके जाओ इनको, लेके जाओ, पकड़ो पकड़ो। साले, सबको फिक्स कर दिया ना तूने, अपनी बीवी को भी, तो मुझे भी जेल भिजवाओगे? तेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, और वैसे भी बेचारे धोखे खाए हुए पति को एक चांस तो मिलना चाहिए ना। लेकिन जिस दिन तेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना मुझे, उस दिन मिलूंगा तुझसे। लोग ज्यादा दिन विक्की कपूर को अंदर रख नहीं पाओगे। I'll be back because of public demand। बचा। चुप। गरीबों के सूरज पंचोली। सुन गया, सुन गया आत्मा दे। चला। हो जाएंगे जिस आना। हाँ? तो पैसे कहाँ? बैंक में, तुम वो रख सकते हो, इनके पास बहुत पैसे हैं। हाँ? कोई प्रॉब्लम है दाने सर? नहीं, हाँ बोला ना। हाँ हाँ जयंती, काम करो, आधे पैसे तुम अपने पास रख लो ना, और आधे शेरावत साहब को देना। सर और आपका? मेरा क्या, मुंबई के मौसम की तरह सुबह अपना तापमान बदल दो। सुना है दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, चलो भी। मतलब बड़ा पाव से मोमो, और भी बहुत बहुत अच्छी चीजें मिलती है दिल्ली में। सुधर जाए शेरावत। सुधरने के लिए पैदा हुआ मैं। सुना है दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, अच्छा होते हैं कांड, वहां मिलता है मेरे साथी से, समझा? अरे समझ गया, चल निकल।